हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कंतारा का जो ट्रेलर है ना, वो हिंदी में आ रही है 9 अक्टूबर 9:10। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जाके हमारी दुआ, हमारी ऑडियंस की दुआ, खास कर यार हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी का दुआ। जैसे ही प्रियंका जी को खबर मिला ना ये कि ट्रेलर आ रही है हिंदी में, यार वो तो एक्साइटेड इतना हो गए कि वो भाग के आ रही है। अभी देखो वो रास्ते में ही है, बहुत जल्द पहुँचने वाली है, वो ट्रेन वगैरह में है, तो भाई उनकी एंट्री होगी तो आ रही है, वो थोड़ा वेट करते हैं। फिलहाल हम ही चर्चा करते हैं थोड़ा सा उनको आने तक का। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारी जो एक्सपर्ट हैं, बोले तो आपकी एक्सपर्ट आ चुकी हैं, बस उड़ान भरने वाली हैं। तो प्लीज़ प्रियंका जी आ जाइए। अरे बाप रे, आ गया अनाउंसमेंट, दिखा दिए थोड़ा। आ गया। बाप रे, मतलब कि आप कितना भाग भाग के आ रही है, कहाँ से आ रही हो भाग भाग के, तो मैं ही जान रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ी स्पीड में। तो चलिए प्रियंका जी, आपको बता दूँ कि जो कंतारा मूवी है, जो कि ट्रेलर उसका हिंदी आ रही है। इसके लिए तो आज आई हूँ वीडियो बनाने तो के लिए। पता है, लेकिन आपको ये बता दूँ कि आपका तारीफ इसलिए कर रहा हूँ मैं आज कि आपने इस मूवी का जो ट्रेलर आया था कन्नड़ा लैंग्वेजेस में, आपने इसका रिव्यू किया, और जो हमारे हीरो हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, राइटर भी बोल सकते हैं उनको, उन्होंने आपका तो यार रिट्वीट मार दिया। क्या ऋषभ सर, थोड़ा हमको भी मार दिया करो। नहीं, आपको नहीं करेंगे वो। चलिए, हमारी एक्सपर्ट को किए, मतलब हमें किए, तो आपको आपको तो बहुत खुशी होगी कि बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हिंदी ट्रेलर आ रही है, क्या लगता है कनाडा के जैसे सपोर्ट करोगी? ऑफ़ कोर्स, जैसे मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज को मैंने पीछे नहीं छोड़ा है, मैंने हमेशा उनको आगे रखा है, तो हिंदी में आएगा तो मैं थोड़ी ना पीछे हटूंगी। मैं पहले ही हूँ यहाँ पे, इसलिए तो इतनी दौड़ी दौड़ी आई हूँ रिव्यू करने के लिए। ऑडियंस को भी दिख गया तो एक्सपर्ट जो है हमारी, वो भाग भाग के मुझे बस मेरा मैसेज पहुँचाना है सारी ऑडियंस को, इसके लिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे। जो भी आपको मैसेज देना है, जो भी बोलना है इस वीडियो में, आज खुल के बोलो। हाँ जरूर, आज नॉन स्टॉप। और क्या बोलते हैं, हेटर्स की जले या हेटर्स की फटे, जो करना है फाड़ दो। नहीं, मुझे किसी की जलानी है, हटानी नहीं है, मुझे बस मेरा मैसेज पहुंचाना है। चलिए, तो दोस्तों वीडियो को ना अंतिम तक देखना है, जो बोलते हैं ना लास्ट, वहाँ तक देखना। तो चलिए आप बताइए कितना अच्छा लगा। फाइनली अनाउंसमेंट आ गया कि कंतारा का हिंदी में ट्रेलर आने वाला है 9 अक्टूबर को सुबह 9:10 पे। मैंने सब देखो, सब मुझे याद है, मतलब मैं इतनी खुशी, जैसे मैंने अनाउंसमेंट देखा ना, मैं तो अपनी खुशी बोलते ना बस कैसे जाहिर करूँ मैं, मुझे ऐसा था कि मैं जाके ऋषभ शेट्टी सर के पैर छू के बस बोलूँ कि थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारी विशेष सुन ली, हमारी मनोकामना सुन ली, हम जो चाहते थे वो सच में हो रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, सीरियसली। अब तो बस 9 तारीख का वेट कर रही हूँ, ऐसा कि बस टाइम ट्रैवल में जाओ और फास्ट फॉरवर्ड करके ना 9 तारीख को ला दूँ वापस यहाँ पे। मैं से वेट नहीं हो रहा, मुझे हिंदी में भी ट्रेलर देखना है। मगर जब से मूवी रिलीज हुई थी, मतलब कि ट्रेलर इसका कन्नड़ा ट्रेलर जब से रिलीज हुई, तब से लेके मतलब कि आपका पहला रिव्यू किया, उसके बाद फिर मूवी का रिव्यू आपने कोशिश करके किसी भी हाल में सिटी मॉल में जाके देखी, उसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जब कन्नड़ा का ट्रेलर आया था, तब मैं बोलूँ ना, सिर्फ बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड था जिसने कन्नड़ा लैंग्वेज का जो ट्रेलर आया था उसका रिव्यू किया था, उसका रिएक्शन दिया था, ऋषभ शेट्टी सर की तारीफ की थी, एंड उस मूवी को सपोर्ट करने के लिए भी खड़े हुए थे, अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में आती तो। और कोई यूट्यूबर, कोई क्रिटिक या कोई नहीं था। हालांकि जब यहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज की जो मूवी में, सपोज अभी थिएटर फुल हो रहा है ना, तब जाके सब आ रहे हैं, किस लिए? व्यूज़ के लिए। लेकिन सपोर्ट करने कोई नहीं आया था, सिर्फ हम थे, बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड था जो तब से सपोर्ट किया था। मैंने तब भी कहा था कि अगर हिंदी में आएगा तो मज़ा आ जाए, आज भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर हिंदी में ये पहले ही आ जाता तो ब्लास्ट हो जाता था सच में। एंड ऋषभ शेट्टी सर ने तो देखा भी था, जो मैंने रिएक्शन दिया था उसको, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, उनको अच्छा, वो खुश भी हो गए थे कि चलो नॉर्थ से कोई तो अच्छा रिस्पांस मिला जो कन्नड़ा लैंग्वेज का है, मतलब ये लोग ये लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि हमें जो कंटेंट अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, हम उसके लिए तो पहले ही रेडी रहते हैं सपोर्ट के लिए, हम लैंग्वेज नहीं देखते हैं। अभी सपोज कोई और लैंग्वेज की मूवी आए तो उसके लिए भी हम सपोर्ट के लिए खड़े हो जाए, बस उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसमें देखने लायक कुछ है। लेकिन आप जब से वीडियो, मतलब कि ट्रेलर रिव्यू हो या पिक्चर रिव्यू हो, आपने एक ही गुहार लगाई दिल से कि हिंदी आओ। फाइनली जाके, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि आपके दुआ रंग लगी, सबकी दुआ रंग लगी। मैंने मेरे कन्नड़ा फैंस को कहा कि मेरा वीडियो इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतना ज़्यादा वायरल करो कि प्लीज़ ऋषभ शेट्टी सर या उनकी टीम तक पहुँच जाए कि यहाँ से हमें वेट नहीं होना, हमें हिंदी में चाहिए। बिकॉज देखो, हमने मूवी देख तो लिया, हमें पता है क्लाइमैक्स कैसा था, जो लास्ट का जो आधा घंटा था वो तो इतना भारी था। बट अभी सपोज जो हिंदी ऑडियंस है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं देखेगी, उनको डायलॉग्स भी सुने, एंड मैं चाहती हूँ कि पूरा जो नॉर्थ है ना वो सब देखे। पॉज करो। चाहती हूँ कि जो हमारे नॉर्थ के ऑडियंस है ना, जो वो जो कल्चर था उस
कल्चर को देखे। एंड मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हमारी नॉर्थ की ऑडियंस नहीं, बॉलीवुड एक्टर्स जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी इस मूवी को देखे ताकि उनको भी पता चले। है हमारे पास कुछ डायरेक्टर्स जो बहुत अच्छा बनाते हैं मूवीज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी इस कल्चर को देखें कि एक्चुअल में कल्चर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये मूवी हॉरर नहीं है, बट उसको भी हॉरर तरीके से बनाया, मतलब उसको बनाने का अंदाज तो देखो। ऋषभ शेट्टी सर से मैं बोलूँ कि आप ना कुछ कुछ लोगों को ट्यूशन्स दे दो आके, मैं तो बोलूँ ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कितनी भी अच्छी मूवी बने तो वो ट्रोल होती है, तो बॉयकॉट होती है, कुछ ऐसा कुछ रहता ही नहीं है इसमें बचत के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी पब्लिक मैंने रिव्यू किया है, जितनी पब्लिक का, खासकर कर्नाटक के ऑडियंस की, वो लोगों को कहना है कि ये उनका कल्चर को दिखाया गया जो आज से करीब 50-60 साल पहले उनके लोगों के गांव में ऐसा होता था, उनका कल्चर को प्रेजेंट किया उन्होंने, ऐसा है वो मूवी। हॉरर नहीं है, मतलब इस टाइप का वो गांव। हाँ, बट वो म्यूजिक एंड बीजीएम जो था ना, उससे वो ऐसा ही लगता था कि वो सच में हॉरर है। इनफैक्ट लास्ट का जो डिवाइन स्पिरिट वाला वो जो था, ऋषभ शेट्टी सर का जो परफॉर्मेंस था, वो एक्चुअल में लगता है कि वो हॉरर है जिस तरीके से उनका है, बट वो हॉरर नहीं था। बट उनका प्रेजेंटेशन तो देखो, मतलब सच में मैं बोलूँ कि जो सीरियसली अ सुपरस्टार सर की, आपने कैसे ये मैजिक कर दिया। एंड वहाँ पे तो देखो, वहाँ पे तो हाउसफुल है ही, बट यहाँ पे भी देखो कन्नड़ा लैंग्वेज में वीक डेज। अरे विक्रम वेदर PS1 साइड में पड़ी है, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। वॉकिंग ने कल दशहरा था, लेकिन गॉडफादर के लिए 50% ऑक्यूपेंसी, लेकिन कंतारा के लिए फुल 100% टिकट्स के लिए लोग आके वापस जा रहे थे। मैं खुद शॉक थी कि यार ये कैसे हो गया। तो ऋषभ शेट्टी सर देखो, कन्नड़ा लैंग्वेज ने ये कमाल किया है, तो सोचो हिंदी में आके क्या धमाल करेगी। मैं तो यही सोच रही हूँ, सोच सोच के मैं बोली कि अभी 9th को तो वो ट्रेलर आ रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि उसका रिलीज डेट कब होगा, बिकॉज मुझे एक सोर्सेस से पता चला कि शायद 14 को हो सकता है। लेकिन मेरी ना दिल से इच्छा है कि काश ये दिवाली पे आए। क्या लगता है आपको दिवाली पे अच्छी दिवाली पे? देखो मेरे लिए ऐसा नहीं है, जितना जल्दी है उतना अच्छा है, बट अगर दिवाली पे आ गई ना तो थिएटर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। सारे जो पोस्टर, जहाँ जहाँ हिंदी कोई दूसरी लैंग्वेजेस के पोस्टर लगे ना, सब जगह कंतारा कंतारा लगेगी, बिकॉज ऑडियंस भर भर के आएगी। लेकिन उस दिवाली पे दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई है ना, 3 बोल सकते हैं, हर महादेव, राम सेतु एंड थैंक गॉड सुपरस्टार। लेकिन आपको क्या लगता है, सपोज अगर ऋषभ शेट्टी ने कंतारा को अगर दिवाली पे रिलीज किया, तो ये 3 मूवीज के लिए लोग जाएंगे? जाएंगे, नो डाउट, बट यहाँ पे सीन क्या हो जाएगा आपको भी पता है, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, सबको पता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कंतारा चलेगी यहाँ पे अगर दिवाली पे आ गई, क्योंकि अभी देख लो ना, PS1 विक्रम वेदन गॉड फादर लगी है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा है, कंतारा के लिए लोग जा रहे हैं, हालांकि हिंदी ऑडियंस भी जा रही है उसको देखने के लिए। अच्छा, तो आप रिक्वेस्ट कर रही हो कि दिवाली में आए? मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने सोचा है कि दिवाली पे निकालना है तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो दिवाली पे तो भी धमाका ही होगा, मैं तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। आपके लिए तो ये दिवाली कंतारा वाली हो जाएगी। हाँ, कंतारा वाली दिवाली हो जाएगी। एंड ऋषभ शेट्टी सर को बोले कि सर आप आगे जिस तरह में जरूर आना फिर वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो पब्लिक रहेगी ना, आपको मिलने के लिए तड़प उठेगी, क्योंकि आपका वो परफॉर्मेंस देखे ना, सब यही बोले कि हमें इनसे मिलना है। जैसे कि मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज में देख के बोला है कि मुझे बस ऋषभ शेट्टी सर से मिलना है, एंड उनके पास मुझे ना पैर चुके थैंक यू बोला कि आपने इतना अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखे, ऐसी मूवी दी है। मतलब हमने सोचो, हमें कन्नड़ा समझ में नहीं आती, ऐसे सब टाइटल्स देख के हम गए थे, तो सोचो जब हिंदी में आएगी तो हम क्या करेंगे। अकेले तो नहीं जाओगी, किसी ना किसी को लेके जाओगे, क्योंकि ऐसे ही मैं गई थी तो मेरी फटी पड़ी थी, बिकॉज मेरे साथ मेरा कोई नहीं था, बाकी थिएटर तो चलो अच्छा फुल था, बट अगर ऐसे, एंड मैं तो बोलूँ थिएटर खाली होने ही नहीं वाला है अगर हिंदी में आ गई तो, बिकॉज सिर्फ मैं नहीं, पब्लिक ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसको हिंदी में चाहिए। चलिए आपको ये बता दूँ, जिन्होंने बड़े बड़े मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है उनके हाथ लगी है ये मूवी, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन को लेके उनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप सोच सकते हो कि इसकी जो कंतारा की जो स्क्रीन है कहीं ना कहीं भर भर के मिल सकती है। हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने दिवाली पे अगर सोच लिया तो वो थैंक गॉड का भी कर रहे हैं, तो मुझे दिवाली पे बहुत प्रॉब्लम होगी, स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी, ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे दिल से इच्छा है कि दिवाली के एक हफ्ते पहले आ जाए, 21 अक्टूबर, हाँ दिवाली के एक हफ्ते पहले, या तो 14 अक्टूबर को आ जाए तो भी चलेगा मुझे, बिकॉज उतना टाइम मिलेगा कि पब्लिक के, चलो जिसने अभी देख लिया उस टाइम पे राम सेतु, थैंक गॉड, हर महादेव देख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मैं तो अभी देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलेगा, तो उनके ही हाथ में, बाकी हम तो जितने मूवीज है वो तो सभी देखेंगे, क्योंकि हमें तो रिव्यू करना जरूरी है, पब्लिक हमारे रिव्यूज देखती है, तो हम जरूर इसका मतलब वेट करेंगे इसके। नहीं है, वेट करती है। हाँ एक्चुअली मैं, क्योंकि मुझे सच में आते हैं कमेंट्स में कि कहा है, हमें उनका रिएक्शन चाहिए, तो डोंट वरी। कंतारा का जैसे मैं आई नो, कंतारा का जो कन्नड़ा था वो मैंने 2 दिन लेट कर दिया, क्योंकि मुझे स्क्रीन, मतलब मुझे कई शोज नहीं मिल रहे थे, हर जगह हाउसफुल था, तो लकीली मुझे एक जगह पर मिल गया तो मैं चले गई।
बट हिंदी का मैं बोलूँ ना ये बहुत ही बवाल होने वाला है। मैं बोलूँ थिएटर में पैर रखने की जगह नहीं होने वाली अगर हिंदी में आ गई तो, इतना बड़ा धमाका होने वाला है। बोलो वही तो बोल रही हूँ, आने वाली है, अभी ऑन द वे है, आज से सिर्फ अनाउंसमेंट आया है ट्रेलर का। तो एंड कनाडा फैंस को मैं बोलूँगी जिन जिन ने कहा था कि शायद नहीं आएगी, देखो आपने मना किया लेकिन ऋषभ शेट्टी सर ने मेरी बात सुन ली, वो हिंदी में लेके आ रहे, बट पता नहीं मल्टीपल लैंग्वेजेस में है कि नहीं वो तो नहीं पता। आप लोगों का प्यारी है, हम लोगों का प्यारी है जो ये हिंदी में आ रही है। एग्जैक्टली, हर एक वीडियो में ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है कि आप लाओ हिंदी लाओ। मैंने तो बहुत ही रिक्वेस्ट की ऋषभ शेट्टी सर प्लीज 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 इसको हिंदी में लेके, मैं चाहती हूँ कि नॉर्थ ऑडियंस यहाँ पे। मैंने ये भी कहा था कि मैं और BMW इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहेगा, तो हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। देखो जैसे अनाउंसमेंट आए हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गए, रिएक्शन देने के लिए रेडी हो गए। मैं दौड़ी दौड़ी आ गई यहाँ पे कि मुझे बस ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुँचाना है, तो जब ट्रेलर आएगा तब क्या होगा, मैं शायद रात भर सोऊं भी नहीं। मैं सोऊं भी नहीं शायद पूरी रात एक्साइटमेंट के मारे। नहीं नहीं उसका मेरे को टेंशन नहीं है, वो ऑडियंस में रिएक्शन देखती है और कुछ देख। चलो जोक्स अपार्ट, ऋषभ शेट्टी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इसको हिंदी में लाने का सोचा, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे मतलब हमसे मेरे नहीं बट पब्लिक के भी आपने रिक्वेस्ट सुनी। आई एम श्योर आपने नॉर्थ के सारे पब्लिक के भी मतलब विशेष सुनी होगी तब जाके आपने ये फैसला लिया। बट आई जस्ट होप, मुझे बस एक विनती है आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसका जो आप हिंदी डब करोगे ना, इसका जो आवाज़ रहेगा ना वो पावरफुल रखना, बिकॉज उसका हिंदी डब ना एक ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को ना वो अट्रैक्ट करे, लोगों को ना वो बोलते ना गूज़बम्स आए डायलॉग सुन के भी वो आवाज़ में। आपको एक आप चीज़ बता दूँ कि आपको ये पता है कि KGF की कहानी किसने लिखी, आपको पता है किसने लिखी थी? वही तो पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं, ये मेरे को भी पता नहीं था, ये मेरे को चार दिन पहले मालूम चला कि वो रक्षित शेट्टी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है दोनों का। क्या बोल रहे हो सच्ची? ठीक है, ये मुझे शॉक लगा ये सुन के, मुझे नहीं पता था क्योंकि उस समय मैंने इतना रिसर्च किया नहीं था, मैं सिर्फ रॉकी भाई को देखने चले गई थी, बट उतना रिसर्च इतना पता कि प्रशांत नील सर ने वो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्शन किया था, डिस्ट्रीब्यूटर है आप फिल्म्स को, कहीं ना कहीं हिंदी डब अच्छा करता आपके नजर में KGF है ये, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, फिर तो हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं, हमें बस थिएटर में जाके बैठ जाना है। सो डोंट वरी ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस प्लीज आप जैसे हमारे साथ जुड़े थे वैसे अभी भी जुड़िए हमारे साथ, एंड अगर हो सके तो आप भी जरा यहाँ पे आना मुंबई में, ताकि आप भी यहाँ पे नॉर्थ ऑडियंस का वो बोलते हैं ना वो रिएक्शन देख सको, तो आपको पता चले। तो रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ कुछ आए यहाँ पे देखने के लिए, बस उतना मैं आपको बोलती हूँ। एक्सपर्ट से मिलने आ जाओ। ओके, सो ऋषभ शेट्टी सर को मैं बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी रिलीज डेट रहेगा हम वेट करेंगे, हमें जल्दी तो है, हम बहुत एक्साइटेड है कि हमें हिंदी में देखना है, सो जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेलर टू रिलीज। ट्रेलर जिस दिन आएगी ना 9 तारीख को, हो सकता है वो ट्रेलर में ही वो रिलीज डेट आ जाए। हां ऑफ कोर्स ट्रेलर में ही आ जाएगा वो, इसीलिए तो अभी उन्होंने टाइम लिया है ना 9 तारीख तक का, तो शायद रिलीज डेट का वो वेट कर रहे हो, डिसाइड चल रहा होगा या हिंदी डब का वर्जन अभी भी चल रहा होगा, इसीलिए उन्होंने अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट जो भी होगा हम वेट करेंगे, एक्साइटेड तो बहुत है, जितना जल्दी हो सके उतना लाओ, दिवाली पे आए तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा। सो जो भी हो कन्नड़ ऑडियंस में बोलना चाहोगे कि देखो मैं इतनी खुश हूँ ऋषभ शेट्टी सर ने फाइनली ये फैसला लिया, आपका क्या कहना है इस बात को लेके, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको क्या लगता है हिंदी डब में जो आने वाली है आप कितने सहमत हो उस बात को लेके, बिकॉज आपका ऐसा कहना था कि जो ये जो रीजन है इन लोगों का जो कल्चर है वो हिंदी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी, आप ये कह रहे थे, तब तो हिंदी वर्जन में आ रही है, तो अब आपका क्या कहना है, आप कितने सहमत हो इस बात को लेके, इस डिसीजन को लेके, ऋषभ शेट्टी सर को आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो हमें कमेंट्स के सेक्शन से बता सकते हो, एंड 9 तारीख को जब ट्रेलर आएगा तब मेरे रिएक्शन का ज़रूर वेट करना, क्योंकि मैं पहली रहूँगी जिसका रिएक्शन आ जाएगा उस टाइम पे। क्या बात है। सो मिलते हैं 9 तारीख को, कनाडा फैंस एंड ऋषभ शेट्टी सर की पूरी टीम, मैं रिएक्शन देने के लिए ज़रूर आगे, जैसे कनाडा ट्रेलर का मैंने मतलब बोलते ना कन्नड़ ट्रेलर आया था मैंने तुरंत दिया था, वैसे हिंदी ट्रेलर का भी आ जाएगा, सो उसका टेंशन मत लेना, आपकी आपकी इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए BMW हमेशा खड़ा रहता है, तो यहाँ पे भी रहेगा। सो मेरा वाला वीडियो मेरा वाला कंटेंट पसंद है तो आपको पता ही है क्या करना है, और अब तो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए ताकि हमारा वीडियो वायरल हो, एंड बोलते ना पूरा जितना भी और कन्नड़ा के जितने भी लोग हैं उन सब तक हमारा मैसेज पहुँच जाए, सो इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि आपके नोटिफिकेशन भी आ जाए संडे को 9 तारीख को कि मेरा रिव्यू आ गया है इस बात को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड।